एक दिन भगवान श्री कृष्ण श्री वृंदावन धाम में रात्रि विश्राम करने के बाद जिस समय प्रातः काल हुआ, सुबह का समय हुआ, शैया का त्याग करके भगवान बाहर निकले। बाहर निकल करके देखा चारों तरफ वृंदावन धाम में धूमधाम मची हुई है। ग्वालवाल चारों तरफ दौड़ करके बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं। 84 कोस ब्रज मंडल के सब ग्वालवाल एकत्र हैं। नंद बाबा के साथ चौपाल में सब बैठे हैं। बड़े बड़े विद्वान नंद बाबा के बगल में बैठ करके बता रहे हैं, बाबा तेल के इतने बोरे चाहिए, चावल के इतने बोरे चाहिए, जौ के इतने बोरे चाहिए, ये सामग्री इतनी होनी चाहिए, ये सामग्री इतनी होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा के चरणों में प्रणाम करके प्रश्न करने लगे। प्रश्रया वन तो परिच्छद वृद्धा नंद पुरोगमा। बाबा के चरणों में प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहने लगे, बाबा बाबा बताइए आप कौन सा उत्सव मनाने जा रहे हो? कल तक तो बिल्कुल शांति थी, कोई नहीं था, आज बड़ी तैयारी हो रही है। ग्वाल बाल चारों तरफ दौड़ रहे हैं। 84 कोस ब्रज मंडल के सब ग्वाल बाल यहां पर एकत्र हैं। बताओ बाबा कौन सा उत्सव मनाने जा रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे अगर कोई प्रश्न करते हैं तो बच्चों के प्रश्न पर हम लोग ध्यान नहीं देते। कभी कभी तो बच्चों के प्रश्न इतने अटपटे होते हैं कि जिसका जवाब देना बड़ों के लिए भी मुश्किल होता है। नंद बाबा कहने लगे, लाला जो उत्सव हम मना रहे हैं तुम देखते जाओ, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। कन्हैया ने कहा, नहीं बाबा आपको बताना पड़ेगा। अब शत्रु शत्रु हमारा हितैषी नहीं, इसलिए शत्रु से भी कोई बात बताना बेकार है। तीसरा है मित्र, मित्र माने हमारा अपना संबंधी, जो हमारा अपना संबंधी हो उससे कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नंद बाबा से कहने लगे, बाबा आप मेरे पिता हो, मैं आपका बेटा हूं, और देखिए बाबा आप बूढ़े हो रहे हैं, भगवान न करें कल आपकी आंखें बंद हो जाएं, आप संसार को छोड़ करके भगवान के यहां चले जाओ, तो बाबा आपके भगवान के यहां जाने के बाद इस उत्सव की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही तो आएगी। अगर आप अभी से नहीं समझाओगे तो आपके भगवान के यहां जाने के बाद इस उत्सव की परंपरा को मैं आगे कैसे बढ़ाऊंगा? नंद बाबा कहने लगे, तू तो बड़ा नटखट है, लो अब मेरे मरने की भी बात करने लगा। कन्हैया ने कहा, बताइए बाबा आप कौन सा उत्सव मनाने जा रहे हैं? नंद बाबा कहने लगे, लाला सुन ले, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवरसन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पय प्रीणनं जीवनं पय। नंद बाबा कहने लगे, देख लाला हम इंद्र देवता का यजन पूजन करने जा रहे हैं, इंद्र की पूजा का उत्सव मनाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहने लगे, बाबा ये बताइए आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने कहा, तेरे क्यों का ही जवाब देते रहे या हम आगे की व्यवस्था करें? भगवान ने कहा, बताइए बाबा इंद्र की पूजा आप क्यों करते हैं? नंद बाबा कहने लगे, इसलिए जब हम इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र देवता प्रसन्न होकर के हमारे यहाँ जल की वर्षा करते हैं, हमारे यहाँ अन्न होते हैं, धन धान्य होते हैं, फल फूल होते हैं, हमारे गायों के लिए घास होती है, इसलिए इंद्र देवता का हम पूजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहने लगे, बाबा अगर आप मेरी बात मानो तो मैं तो आपसे ये निवेदन करूँगा, इस संसार में इंद्र नाम का कोई देवता होता ही नहीं। नंद बाबा कहने लगे, लो इसकी सुनो, कल का छोकड़ा और हमको समझाने चला है। कन्हैया ने कहा, बाबा मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं। नंद बाबा कहने लगे, लाला अगर इंद्र देवता नहीं होते तो संसार कैसे चल रहा है? कन्हैया ने कहा, बाबा संसार चलता है कर्म सिद्धांत के द्वारा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव वा विपद्यते। संसार चलता है कर्म सिद्धांत के द्वारा। और देखिए बाबा, नंद बाबा कहने लगे, मैंने माना संसार कर्म सिद्धांत से चलता है, लेकिन
हम जो भी कर्म करेंगे, हमारे द्वारा किया गया जो कर्म है, उस कर्म के फल को देने वाला कोई देवता भी तो होना चाहिए। इंद्र देवता हमारे, इंद्र देवता हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल हमको देते हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा एक बात ये बताओ, हम जितना कर्म करेंगे इंद्र उतना ही फल देंगे कि कम ज्यादा करके कर्म का फल हमको दे सकते हैं? नंद बाबा ने कहा, बिल्कुल नहीं, हम जितना कर्म करेंगे इंद्र हमको उतना ही फल देंगे, ना तो कम कर सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहने लगे, बाबा जब हमारे कर्म का फल हमको उतना ही मिलेगा जितना कर्म हम करते हैं, तब तो हमको कर्म ही करना चाहिए, आप इंद्र को बीच में क्यों घसीट रहे हो? और देखिए बाबा, मैं तो ये कहता हूं, जिसकी जिससे जीविका चलती है वही उसका इष्ट है। ब्राह्मण की जीविका वेद से चलती है तो वेद उसका इष्ट है, क्षत्रिय की जीविका पृथ्वी से चलती है तो पृथ्वी उसका इष्ट है। हम सब गोपाल हैं, हमारी जीविका चलती है गोवर्धन महाराज के द्वारा, गोवर्धन भगवान हमें फल फूल देते हैं, हमारी गायों को घास देते हैं, मैं मना नहीं करता, आप पूजा करो, लेकिन मेरा निवेदन तो यह है कि जो प्रत्यक्ष गोवर्धन भगवान हैं उनकी पूजा होनी चाहिए।